BTW क्या है BTW? हाइजीनिक पैक फूड। हाइजीनिक पैक फूड BTW। मेरे सामने फिल्म लाइन की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, जिनका एक डायलॉग मेरे दादे से लेके आज तक चल रहा है। कितने आदमी थे जिन्होंने बताया ही नहीं। आदमी ज्यादा थे लेकिन उन्होंने तीन बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, ये पंजाबी फीचर फिल्म जो आ रही है बापू फौजी बेटा मौजी, आपको टाइटल से पता चलता है ये बाप और बेटे की कशम कशम की कॉमेडी है। आजकल क्या है, कोई बेटा नहीं चाहता मैं बाप वाला काम करूं। वो कहता है मैं तो अपना अलग काम करना है। तो बापू चाहता है कि वो फौज में जाए, लेकिन बेटा चाहता है कि मैं तो अपनी आज़ाद पंछी हूँ, अपनी उड़ारियाँ खुद। तो उसी कशम कशम के बीच में बहुत सी कॉमेडी निकलती है, जो तो खैर आप आने वाले वक्त में बताएंगे। आज की इस शाम में इस पिक्चर में बहुत से लोग आपके सामने हुए हैं। अभी ये इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट टाइम हमने दिल्ली की ऑडियंस को इसलिए चुना कि दिल्ली वाले दिल वाले हैं और फैसला जल्दी कर देते हैं। दिल्ली में तो हाफ टाइम में पिक्चर का पता चल जाता है कि चलेगी या नहीं चलेगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको लुभाएं इस पिक्चर के बारे में और अच्छे अच्छे इंटरटेनमेंट आपके लिए दें। तो अभी उसकी बात छोड़ के हम इंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं। शब्बीर जी और उनका पूरा म्यूजिकल ग्रुप जो है वो बिल्कुल रेडी है। उससे पहले मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोगों का एंटरटेन मैं करूं। और हंसी, लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसन, स्पेशली इन दिनों में जब इतनी भागम भाग, इतनी टेंशन। हंसने की बात छोड़ो, रोने का टाइम नहीं है किसी के पास। वाइफ कहती है हस्बैंड को, जी गले लगकर आपके रोने को दिल कर रहा है, 2 साल हो गए, मेरी तमन्ना पूरी कर दो। हस्बैंड कहता है क्या करूं, टाइम ही नहीं है, क्या करूं, ऑफिस जाना है, ऐसा करता हूं, ये तमन्ना आपकी पूरी कर देता हूं, गाड़ी में अगली सीट पर मेरे साथ बैठ जा, अगली बत्तियों तक मेरे गले लग के रो लेना, आप उतर जाना, ऑटो रख करके घर आ जाना, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। मतलब ये हालात हो गए हैं। हंसने की बात छोड़ो, रोने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज के ज़माने में जब आप लफ्टर क्लब बने हुए हैं शहरों में, पार्क में सुबह सुबह बुजुर्ग लोग इकट्ठे होके ना नकली हंसी हंसते हैं, हा 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 हा, उनको दूर से देख ले तो असली आ जाती है कि ये पागल कर क्या रहे हैं ये। लेकिन हंसी चाहिए दिल से। आजकल दो चीजें हैं जो लोगों को नहीं आ रही। अगर दो चीजें आने लगे 70% बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी, इलाज की बात तो छोड़ दो। कौन सी दो चीजें? एक तो दिल से हंसी, खुल के हंसी, और एक पसीना। हम दोनों को अंदर ही अंदर बंद कर रहे हैं, वो बीमारियां बन के बाहर आ रहे हैं। हंसी की जिम्मेदारी मैं आप लेता हूं, पसीने की जिम्मेदारी अपनी है। जोरदार तालियों के बीच मुझे शो को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। वैसे तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं कि हमारे देश में कॉमेडी ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा कॉमेडी होती है। जिसका नाम स्पीकर है उसे बोलने ही नहीं देते। नाम स्पीकर है, पूरा दिन चुप करवा के जाता हो। अगर ऐसे ही करना है कम से कम संविधान में संशोधन करके उसके अहदे का नाम तो बदल दो, उसका नाम रखो सलेंसर। कम से कम आदमी को पता तो हो मेरी ड्यूटी क्या है। तो यहीं से तो कॉमेडी शुरू हो जाती है। बाकी मैं तो ये कहूंगा, एकता कपूर के देशवासियों आओ हंसे। एकता कपूर के सीरियल आपने देखे ही होंगे, जिन्होंने नहीं देखे उनकी वाइफ ने देखे होंगे। अरे यार क्या कहानी, घर घर की पंगा, घर घर का स्यापा, घर घर का पता नहीं क्या क्या उनने बनाया। एकता कपूर की वजह से पूरे देश में किसी घर में एकता नहीं रही। हर घर में दो दो तीन तीन पार्टियां बनी हुई हैं, उसमें थप्पड़ एक लगता है, दिखाते पांच है। पिश, 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 पिश। और यार जो लगा, जिसने मारा था वो भी कहता यार एक ही मारा था, ये कहां से आ गए चार। डोर की बेल होती है, दरवाजा खोलने के लिए भी ऐसे जाती है जैसे कारगिल की जंग पे जा रही हूं। टैं टैं टैं, डिंग डिंग डिंग, टैं टैं टैं, टैं टैं टैं, टैं टैं। यहां पे फ्रीज कर देते हैं, कल फिर देखना पड़ेगा क्या हो गया यार। अगर उसको अंदर ही नहीं बुलाना था, दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? पूरी रात वो बाहर खड़ेगा, ये यहां खड़ेगी। पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। चलो प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे तो बदलते सुने हैं, देखे भी हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी से कद कैसे कम ज्यादा हो जाता है यार? 5 फुट का जाता है, 7 फुट का आ जाता है। कहां स्प्रिंग डालती है एकता कपूर, मुझे ये तो बताओ। पता नहीं क्या क्या चल रहा है। परिवार का इकट्ठे बैठने का पूरा टाइम तुलसी खा जाती है, कुसुम की 11 शादियां होगी फिर वहीं आ जाती है। मुझे मिली वो स्मृति ईरानी जी, मिली मुझे एयरपोर्ट पे,
मुंबई एयरपोर्ट पे मिली और मुझे मिलते ही करे, मान साहब मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत बड़े फैन है। आपको पता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हम कितने फैन है कि आप जब टीवी पर आते हो ना, आप अभी कुछ बोलते भी नहीं हो कि हमारा परिवार हंसने लगता है। मैंने कहा मैं और मेरी फैमिली भी आपके बहुत बड़े फैन है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब तुम टीवी पर आती हो हमारी फैमिली रोने लगती है। अच्छा, हस्बैंड ऑफिस से थका हुआ घर वापस आया, आते ही वाइफ से खाना मंगवाया, वाइफ ने बड़े जोर से और गुस्से से हस्बैंड की तरफ चेहरा घुमाया और बोली, आपको खाने की पड़ी है, इधर देखो तुलसी ने 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। हस्बैंड बोला, तुलसी की भूख सही नहीं जा रही तेरे से, ये बता तेरी शादी तुलसी से हुई है या मेरे से? अरे उसको कुछ नहीं होगा, ये सीरियल है, इसको सीरियस मत ले, ये सीरियल है, इसको सीरियस मत ले, तू तुलसी के बारे में वैसे ही डरती है, तू मेरे खाने की चिंता कर, वो तो पिज्जा खा के शूटिंग करती है। मतलब ये हालात हो गए हैं हमारे एकता कपूर की वजह से, जो जैसे। और मैंने एक स्मृति जी को पूछा कि आप चांदनी चौक इलाके से बीजेपी की टिकट पर हार गई थी ना, बोले हाँ। मैंने कहा आपने समीक्षा की है, क्यों हारी थी? कहती नहीं, मैंने कहा मैंने की है। क्या? मैंने कहा मैंने एक रिजल्ट निकाला है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आप इसलिए हारी हैं क्योंकि चांदनी चौक के इलाके के किसी भी पति का आपको वोट नहीं मिला, क्योंकि पूरे देश के पतियों को आपकी वजह से रात को 10 बजे के बाद रिमोट नहीं मिला। BTW क्या है? BTW हाइजीनिक पैक फूड। हाइजीनिक पैक फूड BTW।